देखिए भारत एट नाइन काविंद्र चौहान के साथ। नमस्कार देशवासियों, आप देख रहे हैं मेरे साथ भारत एट नाइन और मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। दर्शकों, बीते दिनों हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान एक क्रिकेट मैच जीतने के बाद आइसक्रीम खा रहा था। अब वो आइसक्रीम नहीं खा रहा है, अब वो डस्ट खा रहा है। दर्शकों, वो कल तक बड़े खुश थे कि खुशी के आंसू है, आज रो रहे हैं अब दुख के आंसू। लेकिन हम पाकिस्तान से कहना चाहते हैं कि हमारा बाप बेटे का रिश्ता है, आप आ जाओ, आपको पालेंगे, प्यार देंगे, गलती करोगे तो चांटा भी मारेंगे, लेकिन कोई नहीं, अभी तुम्हारे जो वरिष्ठ हैं वो तुम्हारे पास है। दर्शकों, दरअसल कहानी यह है कि पाकिस्तान के एक बार फिर से कपड़े फट गए। पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा फसल उगती है, हमारे देश में चावल, धान, गेहूं, इनकी खेती होती है। पाकिस्तान में आतंकवादियों की खेती होती है और वही आतंक की फसल अब इनके लिए काटना मुश्किल हो गया। दर्शकों, ये आतंक की खेती जो इन्होंने की है वो दरअसल अब इनके ना चाहते हुए भी उगे जा रही है। और अब एक संगठन है लबबैक, ये वो वाला लबबैक नहीं है कि प्रेम पलट कर कर तो, इसका मतलब है हम आ गए। दर्शकों, टीएलपी एक ऑर्गेनाइजेशन है, तहरीके लबबैक पाकिस्तान, इसको कहा जाता है कि पाकिस्तान सरकार कहती है कि आतंकी संगठन है, ये उग्रवादी है। अब इन्होंने इस्लामाबाद को घेर लिया है। इस्लामाबाद से ये 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर पीछे है, 30,000 इनके लड़ाके इस्लामाबाद की बाउंड्रीज पर खड़े हैं और किसी भी वक्त इस्लामाबाद में ये जाकर बैठ जाएंगे। दर्शकों, मुल्तान हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, फाटा हो, सिंध हो या पाकिस्तान का पंजाब हो, हर जगह ये टीएलपी वाले तहरीके लबबैक के पंजाब में जाकर बैठ गए हैं। पाकिस्तान के पंजाब, ये सिंध में भी है, ये फाटा में भी है, ये लाहौर में भी है, ये मुल्तान में भी हैं, ये कराची में भी हैं, ये हर जगह जाकर बैठ गए। और अब फटीचर इमरान खान, जिनके दरअसल और भी नाम है, इमरान खान उर्फ कटोरा खान उर्फ इमरान खान नियाजी, ये नियाजी कहां से आया, ये इनके नाम के आगे लगता है, ये काबीला है नियाजी, ये उसी काबीले का सदस्य है, उसी काबीले का ये बालक है। और इस काबीले के जो पूर्वज थे उन्हीं में से एक थे दर्शकों, ए के नियाजी कौन है, 1971 में जब भारत ने इनके झन्नाटेदार थप्पड़ मारा था और इनके 90,000 सैनिकों ने भारत के सामने घुटने टेक कर माफी मांगी थी और भारत ने कहा था कि जाओ मजे करो, छोड़ दिया था, तब वो जो नियाजी जिसने भारत के सामने हाथ जोड़कर सरेंडर करके साइन किया था, ये उसी काबिले के हैं आज के कटोरा खान। अब चारों तरफ से घिर चुके हैं, चारों तरफ से इन्हीं की बनाई हुई आतंकी फैक्ट्री से निकले नए प्रोडक्ट्स अब इनको खाने को तैयार है। दर्शकों, पाकिस्तान पर 122 बिलियन डॉलर का कर्ज है, 122 बिलियन डॉलर का कर्ज है पाकिस्तान का। यह 40% जीडीपी बनाता है, मतलब आधा पाकिस्तान कर्जे की बदौलत जी रहा है। दर्शकों, पाकिस्तान में आपको बता दूं कि आज की तारीख में दूध, दही, मक्खन, फल, सब्जी, तेल सबकी कमी हो चुकी है और यह सब कुछ सेनाएं बांट रही हैं। यह रीसेंट अपडेट है, रीसेंट डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान में ना तो फल मिल पा रहा है, ना तो सब्जी मिल पा रही है, ना ही तेल मिल पा रहा है, ना ही लोग कुछ भी खरीद पा रहे हैं, सब कुछ सेना जाकर पहुंचा रही है। यह इस्लामाबाद से लेटेस्ट अपडेट है। तो दर्शकों, ये सब पाकिस्तान के हालात हैं। क्या कल सुबह तक पाकिस्तान का अस्तित्व बरकरार रहेगा, ये एक सवाल भी हो सकता है, क्योंकि जो आधा पहले से कर्जे में डूबा हो और आधा जो बचा खुचा है वो पाकिस्तान में आतंक की फैक्ट्री में जन्मा है, तो ये कैसे चलेगा। इमरान खान पहले तो अपने आप से ही लड़ रहे थे, फिर उसके बाद वो वहां की सेना के साथ गुत्तम गुत्ती कर रहे थे, उसके बाद जो विपक्षी पार्टी है उसके साथ गुत्थम गुत्थी कर रहे थे, लेकिन अब सामने है टीएलपी यानी तहरीके लबबैक पाकिस्तान। अब ये कितना लबबैक देती है ये तो बड़ा चिंता का विषय है, कितना लबबैक समझाती है ये भी चिंता का विषय है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं
कि है क्या। तो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान जो है दर्शकों 2017 में ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, जो बनाता है वो तो मर जाता है, उसका बेटा जो है वो मुखिया बन जाता है, उसका नाम है साद रिज़वी। साद रिज़वी कह रहा है कि फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद का कार्टून बनाया गया, उनका मजाक बनाया गया, इसलिए फ्रांस का कोई भी राजदूत पाकिस्तान में नहीं रहना चाहिए, इसको हटा दो। नहीं माने तो वही करते हैं, पत्थर चलाते हैं, गोली चलाते हैं। तो सरकार ने गिरफ्तार कर लिया तो अब इनके लड़ाके जमीन पर हैं। अब अफगानिस्तान में भी तालिबान जैसा हाल है, क्या तहरीके लब्बैक पाकिस्तान में कब्जा करने जा रहा है? क्या कल तक इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में पाकिस्तान के झंडों की जगह तहरीके लब्बैक के झंडे दिखाई देंगे? क्या पाकिस्तान अब खत्म हो चुका है? क्या यह दी एंड की स्थिति है? क्या पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं बचा? क्या इमरान खान गली कूचे और खेतों और जंगलों के सहारे भाग रहे हैं इस वक्त? अगर भाग रहे हैं तो तारों के नीचे से निकलकर भारत में आ जाइए, यहां पर आपको सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। यह मेरा कहना है, निवेदन है गृहमंत्री अमित शाह जी से कि अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान फटी हालत में, फटे कुर्ते में, फटे कपड़ों में अगर बॉर्डर्स के आसपास पाए जाएं, तो इनको ठंडा पानी पिलाकर देश के अंदर लिया जाए, इनको सुरक्षा दी जाए। कैसे भी हो इंसान है, इस लिहाज से इनको हॉस्पिटैलिटी दी जाए। लेकिन फिलहाल क्या कुछ है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिएगा। रहीम लब्बैक 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 या रसूलल्लाह ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। पाकिस्तान एक ऐसा देश जो दूसरों के टुकड़ों पर पलता है, पाकिस्तान जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, पाकिस्तान जिसके खुद के घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, वो पाकिस्तान जो दूसरे देशों पर बयानबाजी करता है, लेकिन शायद पाकिस्तान की सरकार अपनी आवाम की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखती। पाकिस्तान में मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन तहरीके लब्बैक प्रधानमंत्री इमरान खान और सेना के लिए भस्मासुर की तरह हो गया है। पाकिस्तान के कई शहरों में टीएलपी के हिंसक प्रदर्शनों से हालात बेहद खराब हो गए हैं। पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री उस्मान बुज्जर के मुताबिक टीएलपी के फायरिंग में कम से कम 4 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है, जबकि 250 अन्य लोग घायल हैं। तनावपूर्ण हालातों के बीच पंजाब प्रांत में अगले 60 दिनों के लिए पाकिस्तानी सेना को तैनात किया गया है। बरेलवी समुदाय से ताल्लुक रखने वाला ये कट्टरपंथी संगठन इस्लामाबाद को घेरने के लिए निकल पड़ा है। जी हाँ, ये वही पाकिस्तान जो दूसरे देशों में घुसपैठ कराता है और अब उसके ही देश में इस्लामाबाद को घेरने के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। को ये बात बता देना चाहता हूँ कि तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह के कारकुनान जिम्मेदारान का पहले बहुत खून बह चुका है और जिन लोगों ने खून बहाया ये भी पूरी कौम जानती है, लेकिन अब अगर हमारा खून बहाया गया, हम पे गोलियां चलाई गईं, ये जुल्म का बाजार गर्म रखा गया, तो पूरी कौम इसका बदला भी लेगी, मैदान अमल में भी आएगी और पूरी कौम हर लम्हा अलर्ट रहे किसी भी हंगामी हालात के लिए। ये वही संगठन है जिसे इमरान खान और सेना ने नवाज शरीफ सरकार के खिलाफ खड़ा किया था और आज यही संगठन इन्हीं दोनों के लिए भस्मासुर बन गया है। बताया जा रहा है कि गोलीबारी की ये घटना पंजाब प्रांत के गुंजरावाला जिले में बुधवार को हुई है। टीएलपी समर्थकों ने पुलिसकर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। बताया ये जा रहा है कि घायलों में 70 पुलिसकर्मी हैं, जिसमें से 8 लोगों की हालत गंभीर है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के एक पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि टीएलपी के सदस्य पुलिसकर्मियों पर हमले के लिए मशीन गन AK-47 राइफल और पिस्तौल का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं
उन्होंने ये भी बताया कि इसी वजह से पुलिस कर्मियों की मौत हो रही है। सोशल मीडिया में ऐसे कई वीडियो आए हैं जिसमें टीएलपी की गोलीबारी करते हुए देखा जा सकता है। इतना सब होने के बाद इमरान सरकार कट्टरपंथियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं कर पा रही या करना नहीं चाहती, क्योंकि इमरान खान की सरकार तो उल्टा उन्हें खुश करने में जुटी है। उधर कट्टरपंथी संगठन ने दावा किया है कि उसके कई कार्यकर्ता या तो मारे गए हैं या घायल हो गए हैं। ये पुलिसकर्मी टीएलपी के लोगों को इस्लामाबाद जाने से रोक रहे हैं और इसी वजह से दोनों के बीच गोलीबारी हुई। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद ने बुधवार को बताया कि पाकिस्तानी सेना से जुड़े रेंजर्स को अगले 60 दिनों तक कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पंजाब में तैनात कर दिया गया है। इस बीच पाकिस्तान सरकार ने तहरीके लब्बैक को उग्रवादी संगठन घोषित कर दिया। इससे पहले पाकिस्तान सरकार के प्रतिबंधित संगठन टीएलपी के खिलाफ नरमी बरतने से पुलिसकर्मी भी नाराज हो गए थे। लब्बैक के समर्थकों ने 22 अक्टूबर को पंजाब की राजधानी लाहौर सहित कई शहरों में जमकर उत्पात मचाया था। ये जानते हुए अन्ना हुजालिम के वसाले में ये समर्थक अपने सरगना साद हुसैन रिजवी की रिहाई की मांग कर रहे हैं। इनकी दूसरी मांग फ्रांसीसी दूतावास को बंद करना है। बता दें कि रिजवी को इसी साल अप्रैल में पूरे देश में दंगा फैलाने और सरकारी संपत्ति के नुकसान को लेकर हिरासत में लिया गया था। अब इमरान सरकार ने टीएलपी के पकड़े गए हुड़दंगियों को रिहा करने और दर्ज मामलों को वापस करने का फरमान सुनाया है। इसी को लेकर पंजाब पुलिस ने कड़ा ऐतराज और दुख जताया। पाकिस्तानी मीडिया डॉन ने पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया कि टीएलपी के हिंसक विरोध प्रदर्शनों के दौरान कर्तव्यों का पालन करते हुए हमारे कई साथी मारे गए, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी घायल भी हुए, लेकिन हर बार सरकार ने टीएलपी के साथ समझौता किया। उन्होंने इस बात की परवाह तक नहीं की कि हमारे लोगों को इन प्रदर्शनकारियों के पेट्रोल बम, ईंट पत्थरों, डंडों और दूसरे हथियारों का सामना करना पड़ा था। हमारी गाड़ियों को जला दिया गया था, हथियार और सामान छीन लिए गए थे और सरकार समझौता कर रही है। उनका कहना है कि ये सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान से बहुत बढ़कर है। ऐसे में ये प्रदर्शन लगातार जारी है, हिंसक तस्वीरें रोजाना सामने आ रही हैं और सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल भी हो रही है। ऐसे में एक बार फिर से पाकिस्तान सरकार की किरकिरी जरूर हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। टोल्ड यू, मैंने पहले भी कहा है कि अगर आतंकी हमला करने में नाकाम हो जाते हैं तो ये आतंकी आपस में ही लड़ने लगते हैं। यही पाकिस्तान में हो रहा है। ये पाकिस्तान जो कि आतंक को प्रोड्यूस करने में माहिर है, सबसे ज्यादा इनकी अब फसल भी आतंक की फसल उगाई जाती है। अब फसल हो गई ज्यादा तो अब आपस में ही लड़ेंगे, आपस में ही मरेंगे। लेकिन भोली भाली वो जनता जिसका आतंक से कोई लेना देना नहीं, उसका क्या कुछ होगा? तो पाकिस्तान की जो हालत है, जो फटीचर हो चुका है पाकिस्तान, क्या इसका अंत समीप आ चुका है? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान प्रफुल बख्शी साहब जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। प्रफुल बख्शी साहब का बहुत बहुत स्वागत है। प्रफुल बख्शी साहब, पाकिस्तान में इमरान खान पहले तो ये खुद ग्रे लिस्ट में हैं, इनकी सेना से बनती नहीं, आईएसआई से अलग परेशानी है, बाकी दुनिया भर में ये आइसोलेटेड है, और अब ऐसे में ये लब्बैक जैसी एक नया विलेन इनके सामने आया है, पाकिस्तान का क्या लग रहा है, फ्यूचर क्या समझ में आ रहा है आपको? अगर अमेरिका के साथ रहेगा या चाइना डिसाइड करेगा, चाइना के साथ रहेगा। चाइना पाकिस्तान का अपना कुछ नहीं रह गया है एट द मोमेंट। इमरान खान का तख्ता पलट का टाइम आ रहा है, उसके खिलाफ टीएलपी वारदात कर रही है, वो आपको पता ही चल गया है। आर्मी पाकिस्तान की गवर्नमेंट से खफा है,
तो इस समय इकोनॉमिकली पाकिस्तान बिल्कुल डावाडोल है, पर पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली इतने इंपॉर्टेंट जगह पे है कि अमेरिका उसको छोड़ना नहीं चाहता, चाइना उसको छोड़ना नहीं चाहता। सीपीईसी चाइना ने बना लिया है, $100 बिलियन लगाए हैं, अमेरिका सारे बेसिस मांग रहा है अब पाकिस्तान से। रशिया को डर है चाइना ताकतवर बन जाएगा और अफगानिस्तान में और अपना अब हक जमाएगा, और रशिया नहीं चाहता। तो पाकिस्तान एक ऐसी जगह पे है जो कि टोटली सेंसिटिव जगह है, माना हुआ फक्कड़ है, पर उसको कोई गिरने नहीं देगा। पाकिस्तान को अमेरिका पूरा सपोर्ट करता रहेगा, इसलिए अमेरिका चाहता है पाकिस्तान इंडिया के साथ बना के रखे तो अमेरिका की दर्दी कम होगी। लेकिन प्रफुल्ल बख्शी साहब, ठीक है मैं ये कह रहा था, प्रफुल्ल बख्शी साहब $100 बिलियन का तो कर्जा लेकर बैठे हुए हैं भाई साहब, $122 बिलियन का, 40% तो इनकी इतनी GDP होती है, तो जब आधा पूरा मुल्क ही कर्जे में है तो कब तक सर्वाइव कर पाएंगे ऐसे? भाई देखिए, वो अब जो अगर वो अमेरिका उसको चाइना उसको अपनी कॉलोनी बनाने को तैयार है और कि अगर आप मेरा कर्जा नहीं देते तो सारा मेरी कॉलोनी होगी, ये अमेरिका वो होने नहीं देगा। तो या तो अमेरिका उसका कर्जा चुकाएगा या फिर अमेरिका कहेगा कि आप उसको यू जस्ट डोंट ऑनर योर कर्जा, फिनिश। और चाइना श्रीलंका को भी यही कह रहा है, तो वो पाकिस्तान को कह रहा है, वो श्रीलंका को कह रहा है, ये सारा का सारा ऐसे ही चलेगा। प्रफुल्ल बख्शी साहब, आपका कहने का मतलब है कि अमेरिका पाकिस्तान को पेट बनाना चाहता है अपना? बिल्कुल बनाना चाहता है, वो चाहता है कि पाकिस्तान किसी तरीके से चाइना के गोदी में ना बैठ जाए। पाकिस्तान एक ऐसी मिस्ट्रेस है जिसको चाइना भी मांग रहा है और अमेरिका भी मांग रहा है, ये है गेम पाकिस्तान का। तो ऐसे में भारत का क्या रोल रहना चाहिए प्रफुल्ल बख्शी साहब? देखिए, भारत का रोल तो होगा, वो आपने बड़ी पते की बात करी, उसके लिए तो दूसरा सब्जेक्ट आ गया। भारत का रोल तो वो होगा कि पहले भारत को सबक सीखना पड़ेगा कि जो उसने पिछले 65 साल से गलतियां कर रहा है वो करनी बंद कर दे। भारत को अपनी सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन लिखनी पड़ेगी कि मेरी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन क्या होगी। भारत को तो पता पड़ना पड़ेगा कि लाइन एंड स्टाफ का नहीं भारत को पता, आपका ब्यूरोक्रेट हर एक महकमे पे बैठा हुआ है, यही तो प्राइम मिनिस्टर मोदी उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत को पहले तो अपने पांव पे ढंग से खड़ा होना पड़ेगा, स्वावलंबी बनना पड़ेगा डिफेंस के अंदर। आपकी बेसिक इंडस्ट्री कमजोर है, आपकी डिफेंस इंडस्ट्री में एक चीज नहीं बनाता भारत, एक राइफल नहीं बनाता, टैंक नहीं बनाता, हवाई जहाज नहीं बनाता, भारत किसको चैलेंज करेगा? इस समय भारत के ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति आई हुई है, पर भारत बहुत बड़ा है, भारत के कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है प्रफुल्ल बख्शी साहब, मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, फाटा, सिंध, हर जगह ये जो लबैक के जो लोग बैठे हुए हैं जिनको पाकिस्तान कह रहा है कि आतंकवादी हैं, तो ये आतंकवादी जिनको बता रहा है, उग्रवादी संगठन से संबंधित जिनको बता रहा है, ये तो वही हालात है जैसे अफगानिस्तान में तालिबान कर रहा था, तो ये तो इस्लामाबाद के दरवाजों तक पहुंच चुके हैं। बिल्कुल पहुंच गए हैं, अब इस आर्मी का सपोर्ट है उनको, आर्मी डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर रही, अंदर से सपोर्ट कर रही है, और आर्मी तो चाहता है कि अब इमरान खान बेशक चला जाए, इमरान खान को आर्मी लेके आई थी और चला जाएगा, तो उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बेसिकली आर्मी पंजाबी डोमिनेटेड है, सब पूरी और आर्मी चला रही है, 85% ऑफ तिजारत ऑफ पाकिस्तान, आपको पता होना चाहिए, पाकिस्तान की 85% तिजारत आर्मी चलाती है, आर्मी का बड़ा फायदा होगा। तो आप कह रहे हैं कि पहले की तरह तख्ता पलट की भी कोशिश हो सकती है कि आर्मी कंट्रोल ले लेगी पूरा, जैसे पाकिस्तान आर्मी देखिए कंट्रोल ले सकती है, उसको कोई नहीं रोक सकता, पर आर्मी अब इतनी पागल नहीं है, वो कंट्रोल जहां तक हो सके अपना पपेट बिठाएगी, घोड़े पे किसी और को बिठाओ और तुम उसकी लगाम हाथ में रखो, ये करेगी। इमरान खान फेल नजर आते हैं उनको, कि इमरान खान फेल हो गए किसी चीज में इसलिए वो उनको हटाना चाहते हैं? इमरान खान तो वीक विकेट पे थे और वीक विकेट पे ही है, उनको कुछ उनको तो आर्मी ने लगाया था, और जहां पे इमरान खान अपनी बताने की कोशिश करते हैं वो वहां पे फेल हो जाते हैं। ठीक है प्रफुल्ल बख्शी साहब, जो पाकिस्तान की इतनी वीक पोजीशन है, शायद मैं बात करूं जैसा कि आपने कहा कि अमेरिका जो है वो उसको अपना पेट बनाना चाहता है, चाइना जो है वो डेब्ट ट्रैप में उसको फांस दिया है बुरी तरीके से, कर्जा देता जाता है वो खुश होता जाता है, बाकी UAE वगैरह जो है खाड़ी देश जो है वो भी उसको कर्जा दे रहे हैं, तो पाकिस्तान के जो हालात है वो बहुत दयनीय हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं वो हमसे ही एक अंग निकलकर बना हुआ एक देश है, तो कहीं ना कहीं दुख तो होता है,
कहीं ना कहीं लगता तो है कि क्या हालात हो चुके हैं उस मुल्क के। देखिए ऐसा है, पाकिस्तान बेसिकली जो लोग जो टू नेशन थ्योरी नहीं मानते, मैं नहीं मानता, जैसे वो बेसिकली है हमारा यंग है और सारे लोग कन्वर्टेड हैं, डीएनए भी वही है, वो तो रिलीजियस डिफरेंस था। तो बेसिकली हमको हमारे उनके सबके रिश्तेदार यहाँ पे हैं, हमारे रिश्तेदार वहां पे कन्वर्ट होकर रह गए, वो है वहां, तो उससे फर्क क्या है। क्वेश्चन ये है कि अब वो ये पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस के अंदर वो डिफरेंट कंट्री दिखाई देता है, फिनिश, वैसे नहीं है। तो आप ठीक कह रहे हैं, लोगों को दुख भी हो रहा है उसका। अच्छा प्रफुल्ल बख्शी साहब, आपके एक्सपीरियंस से एक चीज जानना चाहेंगे, फ्यूचरिस्टिक है थोड़ा सा, पाकिस्तान की जो हालत है, इकोनॉमिकली बात करूं, पॉलिटिकली बात करूं, और मैं बात करूंगा डिफेंस के लेवल से भी, तो ऐसी हालत ही अगर रहती है तो फ्यूचर में कभी ऐसा भी हम देखने को मिल सकता है हमको कि बॉर्डर्स जो हैं इंडिया पाकिस्तान के, बहुत उनको हटा दिया जाए। ये तो आप 100% बात कर रहे हैं, हमारे मुंह की बात छीन रहे हैं। पहले बॉर्डर को हटाने से पहले उनको पोरस कर दीजिए, वीसा वगैरह हटा दीजिए, कनाडा अमेरिका का रिलेशनशिप ले आइए। हाँ वही वही, और फिर ठीक है, बिल्कुल आ गया, बॉर्डर है दिखाने के लिए। जैसे मैं पोलैंड और स्लोवाकिया वगैरह में घूम के आया था, वहां की ट्रेनिंग कराने जाता था, वहां का बॉर्डर में धागा लगा हुआ है, एक छोटी सी प्लास्टिक की लकड़ी है, उसके बाद धागा लगा के ये बॉर्डर है, ये भी होता है। तो ऐसा हो सकता है, पर जो धर्म का मामला आ जाता है, इस्लाम का मामला, और जो जिसमें जिसको कहते हैं कि वो खलीफायत का मामला आता है, वो नहीं होने देंगे, आईएसआईएस नहीं होने देगी। तो ये तो सब कट्टरपंथी आपस में ही लड़कर मर जाएंगे प्रफुल्ल बख्शी साहब, हैं? ये तो सब कट्टरपंथी आपस में ही लड़कर मर जाएंगे एक दिन। देखो मरेंगे, आपस में लड़ाई होती रहेगी, कट्टरपंथियों की होगी। आफ्टरऑल आप देखिए, आपको मैं लेक्चर तो नहीं देना चाहता, पर सिंपल बता दूं, जब आदमी पावर चाहता है तो वो रिलीजियस लीडर को के पास जाता है, और रिलीजियस लीडर मैक्सिमम लोग आपको दे सकता है, दैट इज व्हाई रिलीजन इतना पावरफुल होता है पॉलिटिक्स में। और इसीलिए सारे रिलीजियस लीडर पॉलिटिकल पावर के क्लोज होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर इस्लामिक जो ये एक्सट्रीमिज्म है इसकी बात करूं, तो इसमें भी हर कोई अपने आप को वर्चस्व की लड़ाई में शामिल किए हुए हैं। खुसरान वाले चाहते हैं कि खुसरान हर जगह सिर्फ इस्लाम का नाम सिर्फ खुसरान के झंडे के तहत लिया जाए। अब ऐसे में तहरीक लब्बैक की सुना जा रहा है कि कह रहा है कि तहरीक लब्बैक का झंडा पूरी दुनिया में फैलेगा, इस्लाम का विस्तार होगा, उसके साथ आईएसआईएस कह रहा है कि नहीं हम फैलाएंगे। तो ये जो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपस में ही लड़ जाएंगे एक दिन। आपको पता होना चाहिए, दुनिया की सारी लड़ाई जर और जमीन पे होती है, जर और जमीन के लिए, और जर एंड जमीन तब आपकी होती है जब वो उसके ओनर्स जो होते हैं वो आपकी तरफ हो जाएं। ये लोग कन्वर्ट करवाते हैं इन, जमीन आपकी हो जाए। कश्मीर में मुसलमानों को क्यों जबरदस्ती अंदर ला रहे हैं, रोहिंग्या से क्यों बसा रहे हैं, इसलिए कि जर और जमीन उनकी हो जाए, ये है सारा गेम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल बख्शी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। डिफेंस एक्सपर्ट हैं आप और सेना में काफ़ी समय रहे हैं, विंग कमांडर रहे हैं प्रफुल्ल बख्शी साहब। बड़ी खूबसूरती के साथ समझाया कि पाकिस्तान जो है वो दरअसल कुछ दिन का पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसकी जेब में उतना पैसा नहीं है जितना पैसा एक छोटा सा बच्चा भारत में टॉफी खा लेता है। दर्शकों, पाकिस्तान की जो आधी जो आबादी है वो कर्जे की आबादी है, आधी जो आबादी है वो आतंक से संबंधित आबादी है, वहां का जो प्रधानमंत्री है वो फटीचर प्रधानमंत्री है, कपड़े फट चुके हैं, वहां की जो सेना है वो कायर सेना है, दे आर कायर। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू कि ये लोग जो कल तक रबड़ी खा रहे थे और आज जो धूल चाट रहे हैं, या ऐसे ही चाटेंगे अगर ये लोग भारत के सामने आंख दिखाने की कोशिश करेंगे, तो भारत जब थप्पड़ मारेगा तब हाल कुछ और होगा। लेकिन अभी जो अंदर समस्या है वो बताती है कि पाकिस्तान इज गोइंग टू गेट फिनिश्ड, और वक्त आने वाला है कि शायद पीओके ही नहीं पूरा पाकिस्तान भारत में एक बार फिर से समायोजित किया जा सके, क्योंकि बहुत से लोग भारत में अभी भी कहते हैं कि टू नेशन थ्योरी हम नहीं मानते, क्योंकि पाकिस्तान हमारा है, कश्मीर पर बात नहीं करते हम, पीओके पर बात नहीं करते, लेकिन हाँ हम एक बात जरूर कहेंगे,
कि पाकिस्तान हमारा है, बेटा है, नालायक है, झन्नाटेदार चांटा समय समय पर लगाते रहे हैं, लगाते रहेंगे, लेकिन संभाल नहीं पा रहे, इसलिए अब हम कहते हैं कि पाकिस्तान अब समय है कि सुधर जाओ, बाकी दुनिया तुमको इसी तरीके से इस्तेमाल करती रहेगी और इस तरीके से तुम्हें लूटती रहेगी और इसी तरीके से तुम्हें अपना गुलाम, तुम्हें अपना पालतू बनाती रहेगी। भारत एट नाइन में इतना ही, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।